Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना पचाओ। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी एग्जिट पोल जारी किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीट भी शामिल रही। दरअसल इन सीटों में नगीना लोकसभा सीट भी इस बार यूपी की हॉट सीट बनी रही। यहां से खुद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। चंद्रशेखर ने नगीना जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा ने भी नगीना में अपनी पूरी ताकत लगाई। अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने नगीना लोकसभा सीट को लेकर जो दावा किया है वह वाकई हैरान कर देने वाला है। नगीना में मुख्य मुकाबला भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार के बीच ही माना जा रहा है। सपा उम्मीदवार मनोज कुमार और बसपा के सुरेंद्र कुमार ने भी चुनाव में खूब मेहनत की है, मगर लग रहा है कि ये दोनों अपना असर नहीं डाल पाए हैं। अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद मजबूत कैंडिडेट हैं। बता दें कि अगर चंद्रशेखर नगीना लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। सपा ने चंद्रशेखर का साथ नहीं दिया था और उनके खिलाफ ही उम्मीदवार उतारा था, मगर अब एग्जिट पोल में कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। बता दें कि हर एग्जिट पोल में यूपी में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। भाजपा को एग्जिट पोल में करीब करीब 62 से 72 सीट तक जीतते हुए दिखाया गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आना है, तभी असल आंकड़े सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।